हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल संध्यास क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं सिखाने जा रही हूँ वेस्ट शर्ट का बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा यूज। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पुराना शर्ट लिया है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर पुराना शर्ट लिया है। तो इसका बढ़िया सा यूज मैं आज आपके वीडियो में इस वाले में करके बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने ये शर्ट रखा है, इसको आप अच्छे से सेट कर लें। इस तरह से सेट करने के बाद आप अपना कुशन लें। देखिए यहाँ पर मैंने कुशन लिया है इस तरह से, और इस कुशन को आप इस तरह से आप रखें और यहाँ इस तरह से आप निशान लगा लें चारों तरफ। यहां से यहां तक इसको निशान लगा लें और यहां से यहां तक इसको कट कर लें। देखिए निशान लगाने का कोने से स्टार्ट करें, यहां से मैं स्टार्ट करूंगी और इसको हमें सीधा स्ट्रेट ले जाना है। ये देखिए यहां से हम स्ट्रेट ले जाएंगे इस तरह से, और यहां से फिर इसी तरह से इस कोने से हम स्ट्रेट ले जाएंगे और इस कोने से यहां से स्ट्रेट निशान लगाएंगे। और इस इधर की साइड से हम निशान लगा लेंगे चारों तरफ से, इसी तरह से हम मार्क कर लेंगे। और अब इस कपड़े को हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमें चारों तरफ से इसको कट कर लेना है। देखिए चारों तरफ से मैंने कट कर लिया है बराबर बराबर। तो इसका जो पार्ट है जो ओपन वाला है जिसमें बटन्स लगे हुए हैं उसको हम साइड में रख लेंगे, और जो ये पार्ट है इसके ऊपर हम लाइन का कपड़ा रखेंगे। इसके लिए मैंने लाइन का कपड़ा यूज किया है। इसे लाइन का कपड़ा यूज करने से थोड़ा मजबूत रहेगा, तो हमने ये लाइन का कपड़ा भी हम इस पर सेम टू सेम कट करके इस तरह से रख लेंगे। तो ये मैंने बराबर कट कर लिया है। देखिए बराबर कट करके इसको हम साइड में रख देंगे। और जो हमारा दूसरा जो पीस है, ये देखिए ये जो पीस है जिसमें बटन्स लगे हुए हैं उसको हम बटन्स को अलग कर लेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसको हम ऐसे उल्टा रखेंगे और एक लाइन का पीस लेंगे। ये देखिए लाइन का पीस लेंगे और इसको थोड़ा सा हम ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे, और इसके किनारे पर हम यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ सिलाई लगा देंगे और इसको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है उसको हम कट कर देंगे। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट पर भी जिसमें बटन्स लगे हुए हैं उस पार्ट पर भी अंदर की साइड इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ऐसे, और यहां से इस दोनों पार्टों पर स्टिच कर लेंगे इसको। तो मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। देखिए दोनों पार्ट में मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद हमें इसके बटन्स को इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद जो ये पार्ट है हमारा इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। ठीक से इसको हम रखने के बाद ऐसे, और यहां से लेकर यहां तक चारों तरफ आपको सिलाई लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से कपड़ा रखना है। अंदर सीधी साइड है, ऊपर उल्टी साइड है। तो इस तरह से हमें चारों तरफ से यहां तक स्टिच कर लेना है। तो मैं स्टिच कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए मैंने ये स्टिच कर लिया चारों तरफ से, और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। जिधर से हमारी बटन वाली साइड है उसको हम ओपन कर लेंगे, और जो ये कोने हैं इनको इस तरह से हम फोल्ड करते हुए चारों तरफ से इसको कोनों को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो घर में बढ़ते बढ़ते बच्चों की शर्ट छोटी हो जाती है, बहुत सी शर्ट जो है वो श्रिंक हो जाती हैं। तो आप उनका यूज इस तरह से अपने घर में कर सकते हैं। और ये कुशन कवर आप मल्टी कलर में भी बनाएंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा। अलग अलग कलर से आप बनाएंगे, जो भी कलर हो शर्ट का उस कलर से आप बना सकते हैं। देखिए मैंने ये सीधा कर लिया है। अब हम इसमें अपने कुशन को इस तरह से अच्छे से फिट कर देंगे। बिल्कुल फिट बनेगा, इसमें आपको कोई नाप लेने की जरूरत नहीं, आप अपने कुशन से ही इसको नाप सकते हैं। तो इस तरह से इसको अंदर कर देंगे।
इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको एक कट लगाना है और इसको आप स्टिच कर देंगे तो कुशन कवर बनकर रेडी हो जाता है। तो इस तरह से आप बटन्स इसके लगा दीजिए, देखिए बटन्स भी आसानी से लग जाएंगे, अलग से हमको बटन पट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसमें सब कुछ रेडीमेड था। तो देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा सा कुशन कवर आपका बन। अब सेकंड जो चीज़ बनाने जा रही हूँ वो मैं, जो हमने कुशन बनाया था उसमें से जो ऊपर का हिस्सा बचा हुआ है ये वाला, इसमें से हम बनाएंगे। तो देखिए ये वाला हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है, तो हम इसमें बहुत ही प्यारी सी शर्ट कोटी हम इसमें से बना सकते हैं, क्योंकि ये पूरा हिस्सा हमारा ऊपर का रेडीमेड कोटी की तरह है। तो शर्ट कोटी बनाने के लिए मैंने बाजू तो को इतना मैंने कट कर दिया है, जो बाजू की जो स्लीव्स थी आगे वाली कफ थी जो वो मैंने निकाल दी हैं दोनों साइड से, ये देखिए दोनों मैंने निकाल दी हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये वाला एरिया है हमारा इस पर हम लेस रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर की, देखिए इतनी चौड़ी है, इसका नाप मैं बताती हूँ, वो आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, कम चौड़ी रखना चाहें आप कम चौड़ी रख लीजिए। ये 3 इंच चौड़ाई इसकी है, तो मैंने ये लेस यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इस पर। तो वाइट शर्ट है तो वाइट में मैं वाइट ही लेस यूज़ कर रही हूँ, वाइट में वाइट ही कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर लेस रख लेना है, तो लेस की सीधी साइड हम ऐसे रखेंगे इस तरह से, ये जो सीधा साइड है वो यहाँ है, इस तरह से हम लेस रखेंगे और यहाँ से लेकर लास्ट तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। और जिस तरह से स्टिच करने के बाद जिस तरह से हमने यहाँ पर स्टिच किया है उसी तरह से हम बाजुओं पर भी स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद इसको हम इस तरह से पलट देंगे, देखिए इस तरह से हम इसको पलट देंगे और यहाँ पर भी एक बार हम स्टिच कर देंगे, टोटली सिलाई हम लास्ट तक लगा देंगे। तो इसको मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ ये किस तरह से नज़र आती है। देखिए यहाँ पर हमने टॉप रेडी कर लिया है, लेस हमने नीचे की साइड भी रख ली है और बाजुओं पे भी रख ली है, मैंने एक साइड इसमें ओपन रखा है, आप चाहें तो आप इसको भी सिल सकते हैं। तो इस तरह से ये टॉप रेडी हो जाता है, एक कोटी रेडी हो जाती है, आप किसी भी क्लोथ के ऊपर इसको पहन सकते हैं, चाहे वो जीन्स टॉप हो या फिर सूट हो, आप किसी के ऊपर भी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्यारी ड्रेस, प्रिटी ड्रेस लगेगी इसको। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्राफ्ट के साथ, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे चैनल पर बने रहें।